हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। वीक 13 के फुल टीआरपी तो आप देख ही चुके हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 20 टीआरपी शोज और स्लॉट लीडर्स। सबसे पहले स्लॉट लीडर्स देख लेते हैं, यानी कि कौन से चैनल पे, कौन से पर्टिकुलर स्लॉट पे कौन सा शो सबसे बेस्ट और हाइएस्ट टीआरपी लेकर आया है, जो कि सबसे ज़्यादा देखा गया है इंडियन ऑडियंसिस की तरफ से। 6 बजे के टाइम स्लॉट से स्टार्ट करते हैं। ससुराल सिमर का सीज़न 2 कलर्स टीवी का सीरियल 0.6 के साथ 6 बजे का स्लॉट लीडर बनता है। अगली स्लॉट है 6:30 बजे की स्लॉट, जहां पर सावी की सवारी कलर्स टीवी का सीरियल 1.0 के टीआरपी के साथ बनता है स्लॉट लीडर इस हफ्ते का। अगली टाइम स्लॉट है 7 बजे की, जहां पर तेरी मेरी डोरियां स्टार प्लस का सीरियल 1.5 के टीआरपी के साथ स्लॉट लीडर बनता है। अगली टाइम स्लॉट है 7:30 बजे की, जहाँ पर पंड्या स्टोर, जो कि स्टार प्लस का शो है, 1.9 के टीआरपी इस बार लेकर आया है, बनता है 7:30 बजे का स्लॉट लीडर। अब हम प्राइम स्लॉट्स की ओर आगे जाएं तो घूमे किसी के प्यार में लेकर आया है 2.5 के टीआरपी इस हफ्ते और बनता है 8 बजे के स्लॉट लीडर। अगली टाइम स्लॉट है 8:30 बजे की, जहां पर इमली 2.0 की टीआरपी लेकर आया है और इसके साथ 8:30 बजे का स्लॉट लीडर बनता है। अगली स्लॉट है 9 बजे की, जहां पर फिर से स्टार प्लस का ही सीरियल देखने को मिलता है, जो कि फालतू है, 2.0 के टीआरपी इस हफ्ते लेकर आया है। अगली टाइमिंग है 9:30 बजे की टाइम स्लॉट, फिर से स्टार प्लस का शो ये रिश्ता का कहलाता है हमें देखने को मिलता है, जो कि 2.3 की टीआरपी लेकर आया है और इसके साथ स्लॉट लीडर बनता है। नेक्स्ट टाइम स्लॉट है 10 बजे की, जहां पर अनुपमा स्टार प्लस का सीरियल 2.9 की टीआरपी के साथ बनता है इस हफ्ते का स्लॉट लीडर। नेक्स्ट टाइम स्लॉट 10:30 बजे की, जहां पर ये हैं चाहते 1.8 के साथ स्लॉट लीडर बनता है। इस सीरियल में लीप वगैरह काफ़ी बड़े चेंजेस आने वाले हैं, देखते हैं उसके बाद कुछ बढ़ती है टीआरपी या फिर नहीं। जितने भी सीरियल्स आपने देखे इनमें से 2 शोज कलर्स टीवी के थे और 8 शोज स्टार प्लस के थे, और जी टीवी का कोई सीरियल नहीं था। दूसरे भी किसी भी चैनल का कोई भी सीरियल इस बार नहीं था स्लॉट लीडर्स की लिस्ट में। अब हम चलते हैं टॉप 20 हाईएस्ट टीआरपी शोज़ की ओर, जिन्हें सबसे ज़्यादा देखा गया है व्यूअरशिप वाइज उनकी रैंकिंग। नंबर 20 पे जुनूनियत है कलर्स टीवी का सीरियल 1.1 के साथ। 19 पे भी कलर्स का धर्मपत्नी 1.1 के साथ। 18 पर कपिल शर्मा शो 1.1 के साथ। 17 पर कलर्स का परिणीति 1.3 के साथ। और 16 पे कलर्स का उड़ारियाँ 1.3 के साथ। आगे नंबर 15 पर राधा मोहन 1.4 के साथ जी टीवी का सीरियल। 14 पे जी टीवी का कुमकुम भाग्य 1.4 के साथ। 13 पे सोनी का इंडियन आइडल 1.4 के साथ। 12 पे नागिन 6 भी 1.4 के साथ। और 11 पे भाग्य लक्ष्मी 1.5 की टीआरपी के साथ। टॉप 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 पे कुंडली भाग्य है 1.5 जो कि लेकर आए इस हफ्ते। 9 पे है तेरी मेरी डोरियां 1.6 के साथ, टॉप 10 का हिस्सा स्टार प्लस का शो। 8 पे तारक मेहता है 1.6 के साथ। 7 पे ये हैं चाहते स्टार प्लस का 1.8 की टीआरपी के साथ। नंबर 6 पे है पंड्या स्टोर 1.9 की टीआरपी के साथ। टॉप 5 हाईएस्ट टीआरपी शोज देख लेते हैं। नंबर 5 पे है स्टार प्लस का इमली 2.0 के साथ, 5th मोस्ट वॉच्ड शो। 4th पे इमली 2.0 के साथ, 4th मोस्ट वॉच्ड शो। 3rd पे है ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.3 की टीआरपी के साथ। नंबर 3 पे मोस्ट वॉच्ड शो। नंबर 2 पर गुम है किसी के प्यार में, जो कि इस हफ्ते 2.5 की टीआरपी लेकर आया है और इसके साथ बनता है नंबर 2 पे सबसे ज्यादा देखा गया शो इंडिया का। और नंबर 1 पे अनुपमा है 2.9 की टीआरपी के साथ, इंडिया का सबसे ज्यादा देखा गया शो इस हफ्ते भी। ज़्यादातर ये रैंकिंग्स वगैरह में अनुपमा ही टॉप कर रहा है। बहुत महीने हो गए अब एक बार हमें बिग बॉस टॉप पे देखने को मिला था। कभी कभी घूमे किसी के प्यार में टॉप में आ जाता है रेयरली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनुपमा नंबर 1 पे रहता है। अगर फुल टीआरपी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाकर देख लीजिए सारे शोज की टीआरपी। और अगले हफ्ते की टीआरपी के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, कमेंट से अपना फेवरेट शो और चैनल जरूर बताइए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।